देश में कोरोना का ग्राफ 3,08,993 के पार, 24 घंटे में 11,458 नए मरीज। 10 दिन में कोरोना के 1,00,000 नए केस, 2 जून को 2,00,000 तक पहुंची थी मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में एक दिन में 386 लोगों की गई जान, अब तक 8,884 लोगों की मौत। भारत में 1,45,779 एक्टिव केस, 1,54,329 रिकवर हुए। पीएम मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत, कोरोना के ताजा हालात पर करेंगे चर्चा। 16 जून को पंजाब के सीएम समेत 21 मुख्यमंत्रियों की राय लेंगे पीएम, 17 जून को दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम से बातचीत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूटे, 24 घंटे में 2,137 नए केस, मरीजों की संख्या 36,824 हुई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,214 हुई, मौत का आंकड़ा 129 बढ़ा, सिर्फ 24 घंटे में 71 लोगों की मौत। दिल्ली में श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी कोरोना से संक्रमित, 17 को होम क्वारंटीन किया गया, 2 दिन के लिए मंत्रालय सील। ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय में भी कोरोना का कहर, दोनों मंत्रालयों में एक एक कोरोना संक्रमित। दिल्ली सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां मंजूर, एलएनजेपी से अभी तक 2,100 लोग ठीक होकर लौटे, अस्पताल की कमी सामने आने पर करेंगे फौरन कार्रवाई। दिल्ली के एलजी ने कोरोना से निपटने का तरीका बताने के लिए बनाई उच्च स्तरीय एक्सपर्ट कमेटी, एम्स डायरेक्टर और आईसीएमआर के डीजी भी शामिल। कोरोना लिस्ट में 4 नंबर पर पहुंचने पर बोले एम्स डायरेक्टर गुलेरिया, प्रति 10,00,000 की आबादी पर दूसरे देशों के मुकाबले भारत में केस कम। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अजय की मौत, अब तक 8 की कोरोना से मौत, सीमापुरी थाने में तैनात थे अजय कुमार। दिल्ली में कोरोना की कम टेस्टिंग के सवाल पर सत्येन जैन का बयान, कहा आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पूरा पालन हो रहा है। सत्येन जैन ने कहा सरकार की प्राथमिकता हरेक मरीज की जान बचाना, हालात से निपटने के लिए बेड का इंतजाम कर रहे हैं। आप नेता संजय सिंह ने सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को लिखी चिट्ठी, टेस्टिंग गाइडलाइंस बदलने की मांग। आप नेता की अपील, किसी भी व्यक्ति को कोरोना जांच कराने की छूट हो, राज्यों को अधिक से अधिक टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जाए। जामा मस्जिद के बाद दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद भी 4 जुलाई तक बंद, केवल मस्जिद के स्टाफ को नमाज अदा करने की मिलेगी इजाजत। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दिखा भारी जाम, सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1,00,000 के पार, एक दिन में 3,493 नए केस, 127 की मौत। मुंबई में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,000 के पार, एक दिन में 90 लोगों की गई जान, 1,372 नए केस। यूपी में कोरोना से एक दिन में 20 की मौत, अभी तक 365 लोगों ने गंवाई जान। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 528 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, कुल आंकड़ा 12,616 हुआ, राज्य में 4,642 एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा 95 नए केस नोएडा में आए, एक और शख्स की मौत, गाजियाबाद में 16 नए मामले। गाजियाबाद में जिला संयुक्त अस्पताल में भयंकर लापरवाही, सभी 8 वेंटिलेटर नहीं कर रहे काम, अस्पताल में हो रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। लखनऊ में 63 साल की महिला की कोरोना से मौत, अब तक 8 की मौत, कुल 512 पॉजिटिव केस। प्रियंका वाड्रा ने योगी पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में किसान और प्रवासी मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं और सरकार स्किल के तहत प्रवासियों को रोजगार देने की छलावा कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों में ट्रू नेट मशीनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया, कोरोना रिपोर्ट में तेजी आई। लखनऊ में केजीएमयू में कल आए 2,220 सैंपल, 71 सैंपल निकले पॉजिटिव, केजीएमयू में तेजी से हो रही है टेस्टिंग। लखनऊ में लोहिया अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही, बिना कोई एहतियात के खुद को कोरोना टेस्ट किया, वीडियो वायरल होने पर जांच कमेटी गठित। मुरादाबाद में बना नॉन एसिडिक और क्लोरीन की डिसइंफेक्टेंट, इस डिसइंफेक्टेंट से हैंडीक्राफ्ट सामान की कोटिंग पर नहीं पड़ेगा कोई असर। बिहार में कोरोना केस की संख्या 6,103 पहुंची, अब तक 36 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। पटना में नीतीश कुमार के अधिकारियों के साथ बैठक, कोरोना महामारी की समीक्षा और बाढ़ को लेकर प्रशासनिक तैयारियों पर जायजा। झारखंड में कोरोना के 1,617 केस, एक्टिव केस की संख्या 937 हुई, कोरोना ने लिया 8 की जान। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के लिए भी आर्थिक मुश्किल का वक्त, कहा लॉकडाउन हट गया लेकिन अभी तक एक भी सामान नहीं बिका। पश्चिम बंगाल में कोरोना ग्राफ 10,000 के पार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 476 नए केस, 9 लोगों की मौत। कोलकाता के एक शमशान में 13 सड़े गले शवों को लाने का वीडियो वायरल, लोगों के विरोध के बाद नगर निगम की टीम शवों को ले गई वापस। स्थानीय लोगों के मुताबिक लावारिस शवों को रिहायशी इलाके में बने शमशान में लाया गया था, कोरोना मरीजों का शव होने की जताई आशंका। पश्चिम बंगाल के राज्यपालों ने शवों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव, कोलकाता पुलिस और नगर निगम से मांगा जवाब, पूछा क्या शवों को ऐसे ही लाने की व्यवस्था है। हरियाणा में एक दिन में मिले कोरोना के 366 मरीज, कुल केस बढ़कर 6,334 हुए, केवल गुरुग्राम में 185 नए पॉजिटिव केस। पंजाब में 99 नए मामले, एक दिन में 4 की मौत, अब तक 63 लोगों की गई जान। पंजाब में कोरोना के 2,986 केस, 2,282 लोग हो चुके हैं रिकवर। पंजाब सरकार ने वीकेंड और छुट्टियों में पाबंदी को लेकर गाइडलाइंस को मंजूरी दी, जिले के बाहर आवाजाही पर रोक। नई गाइडलाइंस के तहत रात 8 बजे बंद होंगे रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें, बाकी दुकानें शाम 5 बजे तक बंद हो जाएंगी। लुधियाना में वीकेंड लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानी, बस टर्मिनल पहुंचे लोगों ने कहा अगर जनता को पहले पता होता तो लोगों को परेशानी न होती।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल केस 486 हुए, 186 केस अभी भी एक्टिव जबकि 6 लोग कोरोना का शिकार हुए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खुले रेस्तरां और खाने पीने की जगहें 60% ग्राहकों के साथ काम करने की छूट। उत्तराखंड में कोरोना के 1724 नए केस, कोरोना ने राज्य में 21 लोगों की जान। तमिलनाडु में कोरोना के केस 40,000 के पार, एक दिन में बढ़े 1982 मरीज, 18 लोगों की मौत। कर्नाटक में 271 नए केस, संक्रमितों की संख्या 6516 हुई, अब तक 81 की मौत। मुंबई से कर्नाटक वापस लौटे प्रवासियों को मनरेगा के जरिए मिला काम, मजदूरों ने कहा काम मिलता रहेगा तो रुकेंगे वरना मुंबई वापस जाना पड़ेगा। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में शवों की अदला बदली का मामला, अस्पताल के आरएमओ का हुआ ट्रांसफर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 186 नए केस, 24 घंटे में 2 लोगों की हुई मौत, अब तक 4588 कोरोना पॉजिटिव मरीज। गुजरात में 24 घंटे में 495 नए केस और 31 लोगों की मौत, मरीजों का कुल आंकड़ा 22562 हुआ। अहमदाबाद में एक दिन में 327 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 15962 हुई, 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। विशाखापट्टनम में कोविड से रिकवर हुआ 4 महीने का बच्चा, 18 दिन वेंटिलेटर पर लड़ी जिंदगी मौत की लड़ाई। चेन्नई में 97 साल की बुजुर्ग ने कोरोना से जीत जंग, 14 दिन बाद साल से मिली छुट्टी। राजस्थान में एक दिन में 118 कोरोना के नए केस आए, 3 लोगों की मौत, 164 लोग रिकवर हुए, राज्य में कुल 12,186 कोरोना केस हैं। राजस्थान के करौली में हुई पंचायत में जमकर बना सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक, बिना मास्क के साथ बैठे नजर आए गांव वाले। भोपाल में कोरोना विस्फोट जारी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 70 नए केस, राज्य में कोरोना के कुल 10,443 मरीज। इंदौर में बाजार खुलने के बाद भी नहीं लौटी पूरी तरह रंगत, करीब 2 महीने बाद खुले हैं बाजार। छत्तीसगढ़ में मास्क न लगाने पर देना होगा जुर्माना, मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। मध्यप्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में लगी कॉन्टैक्टलेस घंटी, सेंसर की वजह से भक्त के आने पर अपने आप बजेगी घंटी। मंदिर में गंगा जमनी तहजीब देखने को मिली, मुस्लिम समाज के नाहरू खान ने बनाई घंटी, मंदिर के पुजारी और भक्त खुश। इंदौर में मूर्ति बनाने वाले कारीगर के सामने खड़ी हुई आर्थिक समस्या, कहा 2 महीने से काम बंद होने से नुकसान, सरकार से नहीं मिली कोई मदद। मध्यप्रदेश में दुकानें खुल गई लेकिन कम ग्राहक आने से दुकानदार परेशान। कल से जनता के लिए दोबारा खोला जाएगा लोकप्रिय कॉबर्ट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन, रहेगा बंद 15 नवंबर तक, पार्क में नाइट स्टे की अनुमति नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण में तेजी जारी, लद्दाख में एक दिन में 124 लोगों की टेस्ट पॉजिटिव, लॉकडाउन में और सख्ती लाने का ऐलान। सरकार ने कुछ विदेशियों को भारत आने की मंजूरी दी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भी मिली इजाजत। अमेरिका में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलेगी 10 और फ्लाइट, 20 जून से 3 जुलाई के बीच वंदे भारत मिशन के तहत वापसी। 20 जून से खाड़ी देशों से आ रहे केरल के विमानों में केवल कोरोना नेगेटिव यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति, सफर के लिए लेना होगा टेस्ट सर्टिफिकेट। कोरोना कश्मीर के उधमपुर में एक कलाकार ने यमराज की वेशभूषा में कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील की। श्रीनगर में कोरोना से 74 साल के एक रिटायर्ड डॉक्टर की मौत, अब तक 54 की मौत। कोरोना काल में बारामूला में स्कूली बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस, जिला प्रशासन की पहल, 40,000 बच्चों का होगा लाभ। मध्यप्रदेश ने पुणे में स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए रोबोटिक कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया, रोबोट यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा। कोरोना काल में मध्यप्रदेश में पेट्रोल और डीजल के 1 रुपया महंगा होने की एक खबर, राज्य सरकार ने लगाया सेस। सेना को मिले 333 नए ऑफिसर, देहरादून के आईएमए में पासिंग आउट परेड, कोरोना काल में बदली परंपरा। कोरोना की वजह से पासिंग आउट परेड में शामिल नहीं हो सके जाबाजों के परिजन, सैन्य अफसरों के परिजनों ने कैडेटों का हौसला बढ़ाया। मास्क पहनकर कदम ताल करते नजर आए जाबाज, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया खास ख्याल। आईएमए में परंपरा रही है कैडेटों के कंधों पर उनके परिजन स्टार लगाते रहे, लेकिन कोरोना काल में पहली बार ट्रेनर परिजनों के रोल में नजर आए। कोरोना की वजह से कैडेट ग्रुप पुशअप, उछल कूद और जश्न भी नहीं मना सके, काफी परंपरा बदली बदली सी नजर आई। परेड के लिए पहले 2 कैडेट्स के बीच आधे मीटर की दूरी होती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 2 कैडेट्स के बीच में 2 मीटर की दूरी नजर आई। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच इलेक्शन, 24 जून को 3 नगर निगमों के मेयर के लिए वोटिंग। असम में तेल के कुएं में आग से चाय की फसल को भारी नुकसान, टी गार्डन में सूख कर गिर रही हैं पत्तियां, कोरोना काल में पहले की बागान मालिक परेशान। भारत बांग्लादेश फिर से कर सकेंगे व्यापार, 21 मार्च से बंद फुलबाड़ी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट खुला, चेक पॉइंट पर ट्रकों को किया जा रहा है सैनिटाइज। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को हुआ कोरोना, फैन से राहत की दुआ मांगने की अपील। चीन में बीजिंग के कुछ हिस्से में फिर से लॉकडाउन, बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। चीन की राजधानी बीजिंग में सामने आए कोरोना के 2 और केस, मीट बाजार किया गया बंद, पॉजिटिव निकला शख्स मीट खरीदने गया था बाजार। ब्राजील के साओ पाउलो कब्रगाह में भयावह तस्वीर, दफनाने के लिए जगह नहीं। ब्राजील में कोरोना से अब तक 41,000 लोगों की मौत, करीब 8.5 लाख बीमारी की चपेट में लोग। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 21 लाख के बेहद करीब, 116,000 से ज्यादा की मौत। दुनिया में एक दिन में 80,000 से ज्यादा केस आए, एक दिन में 2,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। वर्ल्ड में अब तक 76,65,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, कुल 4,25,000 से ज्यादा की गई जान। पेरू से 137% बढ़ी अदरक के निर्यात की डिमांड, कोरोना की वजह से दुनिया भर में अदरक का हो रहा है इस्तेमाल।
फ्रांस में एशिया से आए सस्ते मास्क की वजह से कंपनी को नहीं मिल पा रहे व्यापारी, फ्रांस में बन रहे मास्क हो रहे हैं बेकार। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन की निंदा की, लोगों से प्रदर्शन में न शामिल होने की अपील की। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पर लेट फी माफ, टैक्स बकाया नहीं होने की शर्त। सरकार ने कोरोना संकट के चलते अप्रैल में नहीं जारी किया औद्योगिक उत्पादन का डाटा, चिदम्बरम की चुटकी, पूछा क्या 20 साल निकलेगा आंकड़ा। और देश का विदेशी भंडार पहली बार हाफ ट्रिलियन डॉलर के पार, कोरोना काल में 8.22 अरब डॉलर का आया उछाल।